ये देखिए, इसको रियर वॉल कहते हैं। ये हमारे घर के ज़मीन के बगल से बह रहा है और देखिए कितना नाला आया है। आज 2 अगस्त है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और नाला देखो इतना बह रहा है ये। और यहीं पर मेरा घर है, ये नया घर बन रहा है और ये देखिए यहीं पर ही नाला है। वो जो आगे जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी जड़ से होता हुआ जा रहा है, ठीक है नहीं? ये है नाला। अभी किसी की हिम्मत नहीं है जो इसमें जा सके, इतना पानी है। और ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी सुरक्षा दीवार की आवश्यकता है इसमें, इसका इंतजाम करना होगा। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ की जड़ पर पानी है और इसके ऊपर फिर हमारी ज़मीन आ गई, तो यहाँ से फिर हमको रोकथाम करना पड़ेगा और तब जाकर वो आगे पौधा है, आम का पौधा है। मेरे को लग रहा है आम का पौधा भी अभी टेढ़ा हो चुका है, सीधा नहीं है, तो इसलिए ये भी गिर सकता है। इस पेड़ से ऊपर को ये मेरे भाई की ज़मीन है और उसमें भी ये नाला जो है टकरा रहा है और वहाँ पर जाल लगाया था लेकिन जाल भी अभी नीचे बैठ गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर अभी जल्दी से जल्दी सुरक्षा की दीवार की आवश्यकता है और ताकि अपनी खेती वाली ज़मीन को पानी से बचाया जा सके। इतना तेज़ बहाव है कि इसमें किसी प्रकार से भी पार पाना बहुत मुश्किल है। ये चाड़ा रोल है, चाड़ा रोल से अभी मैं आपको ये इसका नाले का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये है इसका दृश्य, वहाँ वो दीवार दे रखी है और जिसकी वजह से पानी वहाँ टकरा के वहाँ से टकराते हुए वो हमारे ज़मीन पर अटैक कर रहा है। ये देखिए पूरा ये यहाँ जहाँ झाड़ी हो रही है ये इधर को हमारी ज़मीन लग जाती है। ये पानी का बहाव है। ये अभी हमारी ज़मीन, यहाँ से हमारी ज़मीन शुरू हो गई है और यहाँ से भी ये पानी इतना बढ़ेगा। रात को पानी यहाँ तक आया हुआ है हमारे ज़मीन में और अभी आप देखिए पूरा नाला एकदम फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है। ये देखिए आप नाले का क्या रौद्र रूप ले रखा है। और ये जंगल है और बारिश हो रही है पूरे पहाड़ों में और पहाड़ों से होता हुआ ये पानी जो है घाटियों से यहाँ को इस नदी में गिर रहा है और उस साइड से फिर हमारे घर के उस साइड में फिर उधर जा कर के एक नदी है जो रियर रोल कहते हैं। रियर रोल भी इसी प्रकार से अपने फॉर्म में है और वो भी कम नहीं है, उसका भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। और अभी आप ये देखिए ये कितना रौद्र रूप इसने दिया हुआ है, पूरा ज़मीन को टच करते हुए और सारी ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सुरक्षा दीवार की आवश्यकता हमको इमिडिएटली हो रही है।